यात्रा से थोड़ा सा पहले ही है, अभी 1-1.5 घंटा लगेगा और ट्रेन अभी चल रही है बहुत स्लो। क्या था भाई, पहले हमें ना दिल्ली से सीधे ना जम्मू तवी आना पड़ता था, वहाँ से बस लेनी पड़ती थी, लेकिन अभी क्या हो गया, सीधे डायरेक्ट आप यहाँ कटरा आ सकते हो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो एक बार बिल्कुल मैं आपके लिए फ्रेश वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं जा रहा हूँ यार जम्मू मतलब वैष्णो देवी जा रहा हूँ। तो ये देख रहे हो हमारी पैकिंग सारी हो चुकी है और अक्कू बाबा भी जा रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फुल फैमिली के साथ में, तो पूरा दिल्ली से जम्मू तक का जो ट्रैवल है वो दिखाऊंगा आपको, कैसे कैसे मैं गया हूँ। और दूसरा नंबर वहाँ पे सारे व्लॉग जो भी हैं वो बना के दिखाऊंगा, हो सकता है शिव खोड़ी भी जाएं हम। तो मैं पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ और पहली बार फैमिली मेरे वीडियो में आएगी, तो आप मिल लेना उनसे भी। और इसके बाद है ना मैं वापस दिल्ली आऊँगा तो आपको कुछ सरप्राइज देना। तो चलते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। भाई प्लेटफॉर्म पे आ गए, हालत हो गई बहुत बुरी क्योंकि काफ़ी पसीने आ गए हैं। भाई ये आ गई अपनी ट्रेन और अभी ये चलेगी, बस 10-15 मिनट में, तो मैं पानी लेके आता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हो, पूरा ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है भाई? क्या था भाई, पहले हमें ना दिल्ली से सीधे ना जम्मू तवी आना पड़ता था, वहाँ से बस लेनी पड़ती थी, लेकिन अभी क्या हो गया, सीधे डायरेक्ट आप यहाँ कटरा आ सकते हो और यहाँ से अपना जो भी ऑटो वगैरह लेकर होटल में जाओ, होटल में नहा दोगे, सेम डे भी जा सकते हो आप मंदिर और रात में सुबह जैसे भी आपको कम्फर्टेबल लगे वैसे कर सकते हो। लेकिन बस बहुत अच्छी सुविधा करी है गवर्नमेंट ने, इसे देख रहे हो कितनी साफ सफाई है और काफ़ी अच्छा स्टेशन है भाई। तो गाइस यहाँ से हमने ले लिया टैक्सी और रावल पिंडी के पास जा रहे हैं मेन मार्केट में। तो ये सारे हमारे घर के लोग, मैं आ चुका था, ये मेरा रूम है और बस मैं नहा धो के रेडी हूँ और बाबू भी रेडी है, तो मैं निकल रहा हूँ सीधे भवन के लिए। तो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 1 बज रहा है, लेकिन धूप भी काफ़ी है, लेकिन क्या करें भाई, जाना तो पड़ेगा क्योंकि कल हमें जाना है शिफ्ट होड़ी। तो चलते सीधे और दिखाते रास्ते के जो भी चीज़ें, अगर न्यू न्यू जो भी आएंगे, क्योंकि मैं तो काफ़ी साल बाद आ रहा हूँ, तो देखते क्या क्या यहाँ पर नया हुआ है। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ टेम्परेचर वही है अपने दिल्ली वाला ही है। और अभी मुझे 5 मिनट हुए हैं और मेरा बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। मम्मी भाई 6 घंटे हो गए लगातार चलते चलते और बहुत हालत ख़राब हो चुकी है और बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, और अभी मैं अर्धकुंवारी भी नहीं पहुँचा, तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा अर्धकुंवारी, लेकिन बहुत दिनों बाद आया ना, पैर टूट गए हैं बिल्कुल भाई, जवाब दे रहे हैं। तो भाई काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं, यहाँ से करीब करीब 2.5-3 किलोमीटर रह गया भवन, और अभी आरती चल रही है, आपको सुनाई दे रही होगी स्पीकर्स में, तो अच्छा लग रहा है कि लाइव आरती सुनते हुए भी। और वैसे तो टीवी में ही सुनता था, लेकिन आज यहाँ पर तो अच्छा ही लग रहा है, डबल मतलब खुशी ज़्यादा हो रही है। चलो कोई नहीं, अब इतना आ गया तो थोड़ा सा और सही। हेलो गाइस, भाई बहुत टाइम हो गया यार, सुबह 12 बजे से चल रहा हूँ, 10 बज गए और मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पूरा पसीने में, पूरे कपड़े मतलब पसीने में हो रखे हैं। और वैसे 4-5 बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा थकान इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ रखा है इस टाइम, आपने देखा भी है, और टमी भी है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैं 4-5 बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार जो थकान है ना, पैर टूटे पड़े हैं, और अभी भी 1.25 किलोमीटर रह गया भवन, तब देखते हैं, अब स्टे करेंगे, फिर उसके बाद मॉर्निंग में दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से शिव खोड़ी के लिए। भाई ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं, ये दंड बैठक लगा के, ये देख रहे हो लेट लेट के जो जा रहे हैं, मैंने पहले ही देखे ये, इससे पहले नहीं देखे, बाकी तो सब पैदल भी नहीं चल पा रहे भाई, और ये लेट के जा रहे हैं भाई, बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए। तो भाई तो नहा धो के रेडी हो गए हम और जा रहे हैं भवन की तरफ, ये भवन की लाइन है, लेकिन ये आगे से लग के आना पड़ता है, तो वहीं जा रहा हूँ मैं, और फिर इसके बाद कैमरा ये सारी चीज़ हमारी जमा हो जाएंगी, तो वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, वीडियो कंटिन्यू करूँगा जब मैं भवन से वापस आ जाऊँगा उसके बाद में। तो भाई दर्शन हो गए थे माता जी के, काफ़ी टाइम लग गया था, और उसके बाद में फिर हमने थोड़ा सा आराम करा और फिर दिन निकले आया, तो अभी हम आ रखे हैं भैरव बाबा मंदिर, भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए, लेकिन यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत प्यारा है, ऑसम, देख रहे हो पीछे सारे पहाड़ है, और यहाँ
मजा ही अलग है भाई। फोटो नहीं लेना है भैया। कोई नहीं है, बंद है भैया, बंद है, बंद। अरे मना करने वाला कोई नहीं है, तुम तो ले लो। इसमें लफड़ा हो जाता है, चलिए कलेजी की बात है। मना करने के बाद लेना मतलब हमारे लिए कंप्यूटर आएगा, जो ये खुद डालते हैं, अपलोड करते हैं नेट पे, वो नीचे से करते हैं। क्यों नहीं था डाउन करते हुए, बहुत है देखना, कभी ट्राई करना। तो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो ये वीडियो यहीं तक थी, लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या आप जम्मू जा रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मैं एक आध चीज़ में वहाँ फंस गया था। तो सबसे पहले जब हम दिल्ली से कहीं भी ट्रैवल कर रहे थे, वो ट्रैवल का क्या है कि जरूरी नहीं है जम्मू ही आप जा रहे हो, कटरा ही जा रहे हो, आप कहीं भी जाते हो, जैसे गांव जा रहे हो या किसी के घर जा रहे हो घूमने के लिए, तो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस स्टैंड पे ट्रैवल, जो बस स्टैंड होते हैं, बस अड्डे होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे हो आप, तो सबसे पहले तो जो कुली होते हैं ना वहाँ पे, तो आपको जो कुली बैच वाले होते हैं उनसे आपको मतलब उनसे सर्विस लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा था वहाँ पे भाई कि काफ़ी लोग, और सबसे ज़्यादा जेब कतरे वगैरह जो होते हैं वो ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और दूसरा नंबर, जहाँ तक हो सके कि अपना सामान खुद लेके जाओ, अपने पॉकेट्स को बचा के रखो। और दूसरी चीज़ कि भाई मैंने देखा जो हमारा डब्बा था जिसमें हम गए थे, उसमें काफ़ी सारे किन्नर्स आ गए थे, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लड़ाई, और वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे किसी पैसेंजर के साथ में, तो इसमें तो अच्छा था कि पुलिस वाले थे, तो वहाँ पे उन्होंने उनको थोड़ा सा बोला डांटा तो वो शांत हो गए और उधर चले गए। बट कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो किन्नर्स बन के आजकल घूम रहे हैं, मैंने देखा कि वो लड़के ही थे, अलग से पता चल रहा था, और वो उनको परेशान कर रहे थे पैसेंजर्स को। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर वगैरह सारा पहले जब ट्रेन में आप चढ़ रहे हो उससे पहले आप इन चीज़ों की सारी डिटेल, ये ऑनलाइन भी होता है, तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल रखो अपने पास में, कि अगर आपको कोई हानि पहुंचाता है रास्ते में, या कोई कुछ कहता है, या कुछ भी गलत तरीका आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप तुरंत 100 नंबर कॉल करो या उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, जिससे आपको मतलब असुविधा ना हो, मतलब आपकी हेल्प हो जाए एक टाइम पे। क्योंकि मैंने वहाँ देखा कि वो पैसेंजर्स पे वो जो किन्नर्स थे बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे, और वो थे 8-10 की तादाद में, अब वो मतलब एक टॉपिक ढूंढते लड़ाई झगड़ा करने का या कुछ भी। और देखो एक चीज़ और, जो आपका सामान है, आपका लगेज है, तो उसमें आप चैन डाल के रखो, क्योंकि आप जब सो जाते हो तो आपको पता नहीं कि आपका सामान कौन उठा के ले जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। और दूसरा, हम कटरा पहुँचे तो वहाँ क्या हुआ, हम लेट हो रहे थे और काफ़ी मतलब थक भी गए थे, तो हमने होटल जिसमें हम रुकते थे उसको ना करके एक एजेंट से होटल ले लिया, जिसने हमको बताया कि भाई ऐसे आपका वहाँ पे ये बेनिफिट हो जाएगा। उसने बाणगंगा से बोला कि हम पिक एंड ड्रॉप कर देंगे आपको, तो जो आपके पैसे होते हैं वो बच जाएंगे वहाँ पे, ठीक है भाई। उसने बोला, और जिस होटल वाले को उसने मतलब रेफर करा, ठीक है, उसने मना कर दिया। तो इन चीज़ों से भी बचो कि होटल 10-15-20 मिनट आधा घंटा लेट खुद ढूंढो, खुद उसमें पहले सारी चीज़ क्लियर करो कि भाई ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि आप थके हो गए आ रहे हो, तो आपको जल्दी से जल्दी वो चीज़ चाहिए होगी। और मैं ये बोलूँगा, अगर आप कटरा जा रहे हो तो श्राइन बोर्ड धर्मशाला ही आप ऑनलाइन पहले से बुक कर दो, श्राइन बोर्ड वाली, वो ऑनलाइन पहले से ही बुक हो जाती है, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी जाया करूँगा तो श्राइन बोर्ड में रुकूँगा, 60 रुपये उसका पर बेड का चार्ज होता है, और वो भाई वहाँ के होटलों से भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मैं उसमें रुक के आ रखा हूँ, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होती है उसके अंदर, तो आपको और लॉकर भी उसी में मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप खासकर ध्यान रखो कि अगर आप कटरा जा रहे हो। दूसरा नंबर, जो वहाँ पे घोड़े वाले मिलते हैं, पालकी वाले मिलते हैं, पिट्टू मिलते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, आपका सामान लेके जाते हैं, तो जब आप पर्ची कटवाते हो तो उनका जो कार्ड होता है, बैच होता है, उसकी फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और या बैच आप रख लो, आपको ये परमिशन होती है कि आप उनका बैच भी रख सकते हो, ठीक है ना, कि कल को अगर आपका सामान लेके जा रहा है
तो कहीं इधर उधर ना हो जाए, आपका सामान गायब ना हो जाए, क्योंकि आप ऊपर जाते हो नहाने धोने के लिए कपड़े कुछ पैसे वगैरह लेके जाते हो, तो वो चीज़ हो के आपकी वो ना हो जाए, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ है, क्योंकि जब हम नीचे उतर के आ रहे थे तो बाबू को ले लेके हम बहुत थक गए थे, तो हमने अक्कू को तो हमने एक ऐसे ही पिट्टू करा था, तो उसका बैच देखो ये आ रहा होगा साइड में, ठीक है। ये मैंने उनका फोटो भी ले लिया था और ये बैच भी अपने पास ही रख लिया था, क्योंकि बाबू उसमें ट्रॉली में बैठे हुई थी, जो ट्रॉली होती है वॉकर होता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ों इन चीज़ों का ध्यान रखो कि कभी भी आप ट्रैवल करते हो कि तो सबसे पहले कि आप जो इंडियन रेलवे है उसका हेल्पलाइन नंबर ले लो, कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसके अंदर तो आप तुरंत कॉल करके बता सको कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा वीडियो वगैरह यूट्यूब पे आते रहते हैं कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पुलिस से कॉन्टैक्ट बना के रखो, क्योंकि हर बोगी में पुलिस वाले भी हैं आजकल, तो उनसे भी कॉन्टैक्ट बना के रखो कि तुम्हें कोई हानि ना पहुँचा सके, ठीक है। जेब कतरे वगैरह होते हैं, इनसे सावधान रहो अपने, और ये गोल्ड वगैरह ना पहन के जाओ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के जाओ, जिससे कि आपका अगर मान लो कहीं गिर जाता है या कोई खींच लेता है, कुछ भी कर लेता है भाई देखो। और मोबाइल वगैरह ये सारी चीज़ें जब चार्जिंग पे लगाते हैं, तो जब ट्रेन रुकी हो तो इनको अपने हाथ में रखो या चार्ज पे लगाओ मत, क्योंकि मैंने देखा कि भाई चार्ज पे लगाता बाहर से खिड़की में से ऐसा खींचेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप उतर के पीछे उसके भाग नहीं सकते। तो ये बहुत मतलब बहुत केस ऐसे होते हैं जिसमें आपको हानि पहुंच सकती है। तो बस यही वीडियो का मेरा मकसद था कि बताने का कि आपको ये चीज़ मैं बताऊं, क्योंकि वहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैंने वीडियो एंड नहीं करी थी। अब मैं घर आ गया हूँ, एडिटिंग कर रहा था, तो उस वीडियो का एंड भी कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आएगा शिवखोड़ी का, हम शिवखोड़ी गए थे। तो भाई जो वैष्णो देवी जाते हैं, मैं तो उनको रिकमेंड करूँगा कि आप शिवखोड़ी जरूर जाइए, क्योंकि शिवखोड़ी जाने से एक तो आपकी जो कहते हैं ना अमरनाथ यात्रा, वो लगभग आधी पूरी हो जाती है, बोलते हैं ऐसा मान्यता है वहाँ की कि आप अमरनाथ यात्रा नहीं जा पा रहे तो वहाँ आ जाइए, तो आपकी यात्रा वो मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो गुफा है वो भी अमरनाथ में निकली हुई है। तो शिवखोड़ी जो गए होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं गए मैं उनके लिए बता दूँ कि आपको शिवखोड़ी भी जाना चाहिए। अगर आप वैष्णो देवी इतना दूर जा रहे हैं तो वहाँ से 86 किलोमीटर शिवखोड़ी है, और अगर आपको ज़्यादा वहाँ पे मान लीजिए सुबह सुबह आप निकलते तो आपको पाँच पॉइंट जैसे जित्तो बाबा, नौ देवियों का मंदिर, ठीक है, शिवखोड़ी, एक वो चिनाव जो चिनाव रिवर है वो, ठीक है, ये ऐसे करके चार पांच पॉइंट हैं जो आपको वो टैक्सी वाले घुमाते हैं। अगर बस से जाते हैं आप तो बस से आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, जल्दी वापस आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम जो गए थे हमारा खर्चा क्या आया मैं बताता हूँ। और जो ट्रेन की आप टिकट बुक करते हो, ट्रेन की टिकट आप तत्काल में बुक करो, क्योंकि जो आप एक महीने डेढ़ महीने दो महीने पहले बुक करते हो, ज़्यादातर क्या होता है वो टिकटें बुक होती नहीं है, कंफर्म शीट मिलती नहीं है स्लीपर पर। जैसे मैं स्लीपर में गया था, मैं उस चीज़ का बता रहा हूँ, एसी का मुझे नॉलेज नहीं है। तो यही है कि आप है ना, जो भी टिकट बुक करो तत्काल में बुक करो, 100 रुपये एक्स्ट्रा जरूर लगेंगे टिकट के। आप अपने दोस्त अपने आप खुद बुक कर सकते हो, ठीक है, आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो वगैरह देख लो यूट्यूब, क्योंकि ये टिकट हमने खुद बुक करी थी, तो आप ये खुद बुक कर सकते हो टिकट, ठीक है, टिकट्स सॉरी, ठीक है। और इसके बाद में 100 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, 80-100 रुपये, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन आपको आराम से आने जाने में सुविधा हो जाएगी, ठीक है। और श्राइन बोर्ड का कुछ भी है, जैसे ऑनलाइन जो अपलाइन में लग के वहाँ पे टिकट्स लेते हैं, जो फ्री दर्शन वाली टिकट होती है, ठीक है, वो है वहाँ पे। तो हमारा बहुत रेयर खर्चा, बहुत कम खर्चा आया, क्योंकि हम 500 रुपये में हमारी टिकट हो गई थी, 400 कुछ रुपये, 500 मान लो, 500 रुपये में एक बंदे की टिकट आना, 500 रुपये में एक बंदे के जाना, 1000 रुपये हमारा ट्रेन का लगा। उसके बाद में वहाँ पे जो खाना वगैरह था, होटल से हम नहा धो के निकले, तो नीचे टी सीरीज के जो फाउंडर हैं गुलशन कुमार जी, उनका वहाँ पे भंडारा चलता रहता, तो आप वहाँ पे लंगर वगैरह खा के आप ऊपर जा सकते हो। मतलब मैं एक बजट बता रहा हूँ कि कम बजट में आप वहाँ पे आराम से वैष्णो देवी घूम सकते हो, ठीक है। फिर श्राइन बोर्ड के जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे वो बने हुए हैं सारे, तो वहाँ पे 40 रुपये राजमा राइस, कढ़ी राइस वगैरह ऐसे करके खाना, बहुत जो यहाँ पे अमाउंट है वही अमाउंट वहाँ पे आपको दिया जाएगा बस, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखो कि बिल्कुल सेफ जाओ, ठीक है। और ट्रेन में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखो कि भाई मैंने देखा मेरे सामने उस जो पैसेंजर थे उनसे वो लड़ने लगे थे, तो मैं तो यही बोलूँगा जेब कतरे वगैरह हर ट्रेन में चढ़ते हैं, हर उसमें चढ़ते हैं, विदाउट टिकट चढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि इनकी सेटिंग वगैरह भी होती हैं कि एक नहीं होते, पूरी टोली के साथ चढ़ते, तो आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ होते, लेकिन उनका वो रोज का काम है। तो थैंक यू, आपने ये वीडियो देखी, और नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है शिवखोड़ी की, लेकिन उसके बाद जो वीडियो आएगी ना वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, और बहुत अच्छी वीडियो है वो, बस मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, वो आप देखना जाके, बस इतना बोलूँगा।
थैंक यू, बाय बाय, लव यू, जय माता दी। और एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।